फिर एक बार हिंदी क्लास हिंदी की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हिंदी व्याकरण को हम विधि पूर्वक पढ़ रहे हैं और व्याकरण का एक छोटा सा अंश हमने पत्र के बारे में पढ़ा। अपने कल की वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि कल पत्र का क्या महत्व है। पत्र के विषय में छोटी सी चर्चा की थी कि पत्र का क्या इतिहास रहा है। पत्र के बारे में महत्वपूर्ण आपको जानकारी प्रदान करने के बाद आज हम पत्र के जो अंग हैं, किस तरह से हमें पत्र लिखते समय कैसे शुरुआत करनी है, किस तरह से हमें संबोधन करना है पत्र के बारे में, किस तरह से हमें हमें अभिवादन करना है, किस तरह से हमें विषय को प्रस्तुत करना है, किस तरह से हमें धन्यवाद देना है और किस तरह से हमें हस्ताक्षर करने हैं, ये छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे पॉइंट हमें पत्र के जो पत्र लिखने का तरीका है उसको सम्यक एवं भलीभांति बनाता है। बोर्ड परीक्षा के अंदर जब हम पत्र लिखना आरंभ करेंगे तो यही छोटी छोटी बातें हमको 5 नंबर दिलाएंगी, 5 अंक दिलाएंगे। और वो 5 अंक ही नहीं अपितु हम जहाँ भी जाएंगे पत्र को सम्यक एवं प्रभावशाली बना सकते हैं। किसके माध्यम से? पत्र के अंग के माध्यम से हमको किस तरह से पत्र की शुरुआत करनी है। मैंने कल पत्र 2 तरीके के बताए थे, औपचारिक एवं अनौपचारिक। और हिंदी के इतिहास में तो ही पत्र सर्वमान्य है, औपचारिक एवं अनौपचारिक। औपचारिक पत्र के अंतर्गत कोई भी प्रशासन हो, कोई भी कार्यालय हो या कोई भी विभाग हो, ये सारे विभाग जो हैं, ये सारे कार्यालय, ये सारा कोई भी प्रशासन हो, औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। और अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत हमारे मित्र, हमारे परिवार के सदस्य, परिवार को अगर हम कोई निजी पत्र भेजते हैं वो सारे पत्र हम अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत पढ़ते हैं और लिखते हैं। देखिए आज छोटा सा चैप्टर है पत्र के अंग। पत्र के अंग जो होते हैं, पत्र के अंग का पत्र के अंदर बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले पत्र को जब हम लिखना आरंभ करते हैं तो किसको क्या संबोधन देना है, किसको क्या सम्मान देना है, वो सबसे उपयुक्त होता है पत्र के अंदर। अगर हम पत्र में किसी को सम्मान नहीं देंगे, किसी को आदर भाव नहीं देंगे तो पत्र का जो प्रभाव है ना वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। अनौपचारिक पत्र है, अनौपचारिक पत्र में पहले हम अनौपचारिक से पहले औपचारिक पत्र को देखते हैं। जब हम पत्र को लिखना आरंभ करते हैं तो सबसे पहले हम प्रधानाचार्य को जैसे ही पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? माननीय प्रधानाचार्य या सेवा में प्रधानाचार्य महोदय। फिर हम शुरुआत करते हैं अपने पते से। प्रधानाचार्य को हम पत्र लिख रहे हैं, प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय उसका पता अपने विद्यालय का, जिस भी विद्यालय के अंतर्गत प्रधानाचार्य आती उस पते को हम डालते हैं। डालने के बाद फिर हम दिनांक दर्शाते हैं कि कौन से दिनांक में पत्र लिखा गया है। उसके बाद हम एक लाइन छोड़ते हैं, लाइन छोड़ने के बाद विषय प्रस्तुत करते हैं कि प्रधानाचार्य को किससे संबंधित हम पत्र लिख रहे हैं। हो सकता है कोई महत्वपूर्ण जानकारी हम उसको प्रदान करना चाह रहे हैं प्रधानाचार्य को, या कोई किसी समस्या से उसको अवगत कराना चाहते हैं। अनेक विषय हो जाते हैं, लेकिन कौन सा विषय के विषय में हम प्रधानाचार्य से के समक्ष अपनी बात को प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, उस
विषय को दर्शाते हैं, फिर एक लाइन छोड़ के फिर हम उनको क्या करते हैं, अभिवादन करते हैं। अभिवादन में आ जाता है माननीय महोदय, तो महोदय अभिवादन होता है। महोदय का मतलब है श्रीमान, हम आपको सम्मान दे रहे हैं। फिर हमारा अपना जो मूल विषय है, पत्र का जो क्लेवर है, पत्र का तरीका है, उसको हम लिखना आरंभ करते हैं। क्या क्या हमने समस्या से अवगत कराना चाह रहे हैं, किसको प्रधान चाह रहे हैं। उसके बाद हम सह धन्यवाद देने के बाद अपना हस्ताक्षर करके पत्र को समाप्त कर देते हैं। तो औपचारिक पत्र में हमारा संबोधन कैसा होना चाहिए? हमारा जो औपचारिक पत्र है उसमें संबोधन, हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब हम सेवा में प्रधाना औपचारिक पत्र लिखते हैं, सेवा में प्रधानाचार्य लिखने के बाद, पता लिखने के बाद, तिथि लिखने के बाद, विषय लिखने के बाद, जब हम संबोधन करते हैं तो प्रिय महोदय लिखते हैं। क्या करते हैं? महोदय, निवेदन इस प्रकार है कि विद्यालय के अंदर समस्या, सफाई की समस्या अत्यंत है और उस समस्या से हम आपको अवगत कराना चाहते हैं। तो अतः श्रीमान आपसे निवेदन है कि समस्या पर जल्द से जल्द अमल किया जाए, जल्द से जल्द इसको अपने संज्ञान में लेकर सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, जिससे अनेक बीमारियों से भी बचा जा सकता है और स्कूल भी साफ स्वच्छ हो सकता है। तो ये विषय हमने लिख दिया। लिखने के बाद फिर हम प्रधानाचार्य को धन्यवाद देंगे और धन्यवाद देने के बाद हम पत्र का अंत करेंगे। उपसिंगार, अंत माने उपसिंगार करते हैं, उसके बाद हम पत्र को समाप्त कर देते हैं। उसका भी एक तरीका है, अगली वीडियो में पत्र को समझाकर, औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्र को समझाकर इस टॉपिक को खत्म करूंगा जल्दी से जल्दी। और मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी ये सारी चीज का आपको ज्यादा से ज्यादा रिविजन कराऊं, क्योंकि जितना आप ज्यादा से ज्यादा रिविजन करोगे उतनी ही आपका अभ्यास निरंतर बढ़ेगा और आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे परीक्षा के लिए। औपचारिक में जो संबोधन होता है प्रिय महोदय, महोदय या महोदया, वो जो स्त्रीलिंग में हम लगा देते हैं। और अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत अगर हम संबोधन करते हैं अपनों से बड़ों के लिए, हमेशा ध्यान रखना अपनों से बड़े बड़ों के लिए हम हमेशा आदरणीय शब्द का प्रयोग करते हैं। हम सम्मान दे रहे हैं, या फिर आदरणीय हो, श्रद्धेय हो, पूज्य हुआ या पूजनीय हुआ, मान्यवर आदि, ये शब्द हमको अपने पत्र में लगाने चाहिए जब हम संबोधन अपनों से बड़े के लिए कर रहे हैं। कौन से पत्र में? अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि ये सारे ही अपने पारिवारिक संबंध में आ जाते हैं। अगर हम अपनों से बराबर समव्यक्ष, बराबर में समव्यक्ष में बराबर के लिए संबोधन कर रहे हैं पत्र में, तो हम प्रिय लगा सकते हैं, बंधु लगा सकते हैं, प्रिय पद लगा सकते हैं, मित्र पद या बंधु पद, ये सारे संबोधन हम कर सकते हैं। और अपनों से छोटों के लिए अगर हम संबोधन कर रहे हैं, प्रिय है उसका नाम लिखेंगे, नाम लिखने के बाद आयुष्मान शब्द का हम प्रयोग कर सकते हैं, चरणजीव शब्द का हम पत्र के अंदर प्रयोग कर सकते हैं। ये तो मैं कर रहा हूं संबोधन की बात, औपचारिक हो या अनौपचारिक पत्र हो, उसमें हमको किस तरह से संबोधन करना है, किस तरह से हमको संबोधन करके पत्र के अंदर एक पत्र को एक प्रभावशाली एवं सम्यक बनाना है। तो अपनों से बड़ों के लिए कौन सा शब्द संबोधन में यूज करना है, प्रयोग करना है, अपनों से बराबर के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करना है, अपनों से छोटों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करना है, इनको सबको अपनी नोटबुक में अच्छी तरीके से उतार लो। और औपचारिक शब्द में, औपचारिक जो पत्र है उसके अंदर अगर हम संबोधन करते हैं तो तीन ही शब्द आते हैं, प्रिय महोदय, महोदय और या महोदया लगा देते हैं, जो हम स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं। ध्यान देने वाली बात है, परीक्षा के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर औपचारिक पत्र आपके विद्यालय से संबंधित आए तो छोटी सी पॉइंट जो है, छोटा सा टॉपिक ध्यान से याद कर लेना,
क्योंकि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य कौन है, कोई स्त्री या पुरुष। हम क्या करते हैं, हमारे विद्यालय में प्रधानाचार्य स्त्री है, लेकिन हम उसको अगर संबोधन करते हैं तो क्या लिख देते हैं, उसको हम प्रधानाचार्य ही लिख देते हैं, स्त्री को। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, जहां भी किसी भी विद्यालय की अगर पत्र आपकी परीक्षा में आ रहा है और आपकी जो प्रधानाचार्य है, प्रिंसिपल, वो एक महिला है, एक लेडी है, तो ये शब्द हमको याद होना चाहिए। हमको भली बात है, हम इस तरह हमको जो है ऐसे प्रयोग करना है, उसको हमको क्या कराना है, प्रधानाचार्य करना है, क्योंकि वो स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में प्रयोग। और महोदय की जगह क्या करना है, महोदया, महोदय की जगह महोदया लिखना है। तो प्रधानाचार्य और महोदय स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं दोनों। और अगर अगर पुरुष वाले हैं तो प्रधानाचार्य लिखे और महोदय लिखे। तो ये छोटी छोटी ये विषय है, तो पॉइंट जो हमको पता होना चाहिए। हमने अभी संबोधन को पढ़ा, हमको क्या क्या संबोधन लगाने हैं और किस तरह से हमको पत्र को प्रभावशाली बनाना है, वो हम संबोधन के माध्यम से ही पत्र को बहुत अच्छी तरीके से संबद्ध समय को प्रभावशाली बना सकते हैं। अपनों से बड़ों के लिए श्रद्धेय, आदरणीय, पूज्य, पूजनीय, मान्यवर आदि लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम समवयस्क है, कोई अपना बराबर का है, उसके लिए प्रिय बंधु या प्रियवर, मित्रवर या बंधुवर लगा सकते हैं। या अन्य अगर अपनों से छोटा है तो प्रिय उसका नाम लिख सकते हैं, नाम भी नहीं लिख सकते तो आयुष्मान या फिर चिरंजीव लगा सकते हैं। तो अगला पॉइंट आता है पत्र के अंत। जब हम पत्र को आरंभ करते हैं, आरंभ और प्रारंभ में बहुत अंतर होता है। जब हम पत्र को आरंभ करते हैं तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि पत्र में औपचारिक पत्र है या अनौपचारिक पत्र है। पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ना, ये पत्र सभी को पता होना चाहिए, पत्र औपचारिक है या अनौपचारिक, क्योंकि दोनों का ही लिखने का तरीका बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भिन्न है दोनों का लिखने का तरीका। कभी आप ऐसा करो, पत्र आ रहा है औपचारिक का, लेकिन आपका जो तरीका है, फ्लेवर है, वो आप उसको अनौपचारिक में लिख दो, तो उससे क्या होगा, आपका जो पत्र है ना वो सारा रोंग हो जाएगा और जो आपके लिए अंक है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल माइनस। तो सबसे पहले ये हमें पता लगाना है कि पत्र कौन सा है, औपचारिक है या अनौपचारिक। ये मैं बात कर रहा हूँ आज अनौपचारिक पत्र के क्लेवर की। जब हम अनौपचारिक पत्र को लिखते हैं तो सबसे पहले हम पता और तिथि का निर्देश देते हैं पत्र में, किसका, पता और तिथि का। जैसे हमने ये हमने लिखा, यहां से ये हम पढ़ चुके हैं, इसको रफ कर रहा हूं। वीडियो में मैंने बताया था, सभी अपनी हिंदी की जो उत्तर पुस्तिका है, नोटबुक है, उसमें साफ साफ और सुंदर शब्दों में सभी इसको नोट कर लेंगे। अनौपचारिक पत्र को जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, ये तरीका है लिखने का, सबसे पहले पता और तिथि लिखी जाती है। पता, जैसे हमने किसी मित्र को पत्र भेजा और आपका मित्र रहता है कहाँ पर, हापुड़ में, कहाँ पर रहता है, हापुड़, और हापुड़ की कौन सी कॉलोनी में, रेलवे रोड पे रहता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, पता लिखेंगे, रेलवे रोड उसका नाम डाल के, ठीक है, रेलवे रोड हापुड़। तिथि फिर क्या लिखेंगे, दिनांक, दिनांक क्या थी हमारी, ध्यान देना जिस दिन परीक्षा हो उस दिन की दिनांक डाली जाती है। उस
उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं संबोधन। और संबोधन में मैंने आपको बताया था बड़ों के लिए हम अलग संबोधन करते हैं, बराबर के लिए अलग करते हैं और छोटों के लिए अलग संबोधन किया जाता है। तो यहां हम एक मित्र को पत्र लिख रहे हैं, तो मित्र को हम क्या लिखते हैं, एक विषय नहीं लगता औपचारिक पत्र में, विषय नहीं लगता, क्या लिखेंगे, क्रिया। मित्र को हम क्या कहते हैं, क्रिया मित्र, ठीक है। बहुत खुशी हुई आगे के जब हम विषय पत्र के अंदर लिखना स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, बहुत प्रिय मित्र यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि आप का सिलेक्शन एक अच्छी पोस्ट पर हो चुका है और इस पोस्ट को पाने के लिए आपने बहुत अत्यधिक परिश्रम किया और परिश्रम करने के बाद आपने बहुत लगन से इसको हासिल किया, इसलिए मैं आपको एक शुभकामना का संदेश देना चाहता हूँ। तो ये जो अनौपचारिक पत्र है इसको लिखने का जो तरीका होता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पते और तिथि का निर्देश देते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, अपना पता लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अपना पता, ठीक है। नाम लिख दो, नाम के बाद अपना पता, क्योंकि उसको भी तो पता होना चाहिए कि कहाँ से पत्र आया है और आप क्या है, आप आपका नाम है। नाम, पता लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, दिनांक के बाद हम संबोधन करते हैं। संबोधन के बाद हम क्या करते हैं, अभिवादन करते हैं, ठीक है। जब मैं अगले वीडियो में पत्र के बारे में पूरा पत्र एक एक पॉइंट बताऊंगा, इससे पहले मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट के बारे में बता देता हूँ। पत्र में और तिथि का निर्देश सबसे पहले हम करते हैं, उसके बाद संबोधन करते हैं, उसके बाद अभिवादन करते हैं, फिर पत्र का क्लेवर तरीका विषय लिखते हैं, फिर स्वयं निर्देश या समापन निर्देश, उसमें हम क्या लिखते हैं, धन्यवाद शब्द का प्रयोग करते हैं, और फिर अपना हस्ताक्षर। ये अलग अलग छोटे छोटे पॉइंट हैं, इस पॉइंट को नोट कर लो। और जब हम अगली वीडियो में पत्र औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्र को लिखेंगे समझेंगे, तो आपको जो पत्र लिखने का जो तरीका है ना वो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमको क्या लिखना है, अनौपचारिक पत्र में क्या लिखना है, अनौपचारिक में क्या लिखना है, क्योंकि अनौपचारिक में ही पता और तिथि लिखा जाता है, ऊपर अनौपचारिक में नहीं लिखा जाता। उसमें हम डायरेक्ट क्या करते हैं, श्री सेवा और प्रधानाचार्य महोदय, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, अपना पता डालते हैं, नाम तिथि डालते हैं, दिनांक डालते हैं, उसके बाद अनौपचारिक पत्र में विषय नहीं डाला जाता है। उसके बाद हम संबोधन करेंगे अपनों के लिए, अपनों से बड़ों के लिए, जिसको भी पत्र लिखना चाहते हैं, छोटों के लिए, पूरा हम विषय लिखने के बाद जब अगली वीडियो में पत्र लिखेंगे, जानेंगे पत्र को, आपको अच्छी तरीके से टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, पता और तिथि पत्र के सबसे ऊपरी बाएं भाग में, ध्यान देना, हमेशा बाएं भाग में पत्र लिखा जाता है, जैसे ये लाइन होती है ना कॉपी की, नोटबुक की, तो यहाँ ये बाएं लाइन है, तो यहाँ से पत्र लिखा जाता है, इधर से नहीं लिखा जाता, इधर से लिखा जाता। बाएं किनारे पर पत्र लिखने वालों का पता, पत्र लिखने वाले का पता, उसके ठीक नीचे पत्र लिखने की तिथि लिखी जाती है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कौन से पत्र में, अनौपचारिक पत्र में, फिर उसके बाद संबोधन लिखा जाता है, पत्र के शुरू में बाएं ओर संबोधन शब्द लिखे जाते हैं। कुछ संबोधन के उदाहरण नीचे गए हैं,
अनौपचारिक में मैंने आपको जैसे बताया था, अपनों से बड़ों के लिए, अपनों से छोटों के लिए और बराबर के लिए अलग अलग संबोधन शब्द का प्रयोग होता है। अनौपचारिक पत्र में प्रिय महोदय, महोदया या महोदय का प्रयोग होता है। उसके बाद हम करते हैं क्या, अभिवादन। जैसे संबोधन होता है सेम उसी तरह से अभिवादन सूचक शब्द का प्रयोग होता है। जैसे सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। अनौपचारिक पत्र में हमने क्या है, पता तिथि सब चीज लिखी, उसके बाद हम क्या करेंगे, संबोधन करेंगे श्रद्धेय, और नीचे उसके बाद अभिवादन करेंगे सादर प्रणाम पूजनीय पिताजी। तो ये क्या होगा, अभिवादन होगा, या नमस्कार, या चरण स्पर्श, आशीर्वाद या सुभाशीष। और उसके बाद जो अगली लाइन से हम क्या करेंगे, पत्र का क्लेवर, पत्र का जो भी विषय है, जो भी हम अपने विचार पत्र में लिखना चाहते हैं, उन विचारों को अगली लाइन से लिखना प्रारंभ करेंगे, और उससे संबंधित, विषय से संबंधित क्या उसको अवगत कराना चाहते हैं, क्या सूचना देना चाहते हैं, क्या प्रशंसा करना चाहते हैं, उस सबसे संबंधित बातें लाइन टू लाइन प्रयोग करनी है। उसके बाद स्वय निर्देश या समापन निर्देश दिया जाता है। पत्र का मूल विषय समाप्त होने के बाद पत्र को समाप्त करने से पहले कुछ औपचारिक वाक्य, जैसे सह धन्यवाद। औपचारिक पत्र में धन्यवाद शब्द का प्रयोग होता है, अनौपचारिक पत्र में नहीं होता। पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में बच्चों को स्नेह या माता पिता को चरण स्पर्श आदि लिखे जाते हैं। ये दोनों पत्र की मैं बात कर रहा हूँ। जब मैं पत्र लिखवाऊंगा कल को, तो आपको अच्छी तरीके से अगली वीडियो में सब क्लियर करूँगा। इसके बाद पत्र लेखक अपना, आपका आज्ञाकारी विनित, या तुम्हारा अभिनमित, तुम्हारा सुचिंतक, शुभेच्छु आदि शब्द का प्रयोग करता है सबसे लास्ट में, या प्रार्थी भी लिख देता है। फिर क्या करता है, अपना नाम लिखता है, अपने हस्ताक्षर करता है, और कोष्टक में अपना नाम लिख देता है, और यहीं पर ही हम अपने पत्र का समापन कर देते हैं। तो ये थे पत्र के अंग, पत्र, पता और तिथि का निर्देश, संबोधन, अभिवादन, पत्र का क्लेवर, तरीका, फिर उसके बाद स्वयं निर्देश या समापन निर्देश, फिर हस्ताक्षर और नाम। तो आज का जो विषय है, आज का टॉपिक यहीं पर हम समाप्त करते हैं। इससे आगे के वीडियो में हम दोनों पत्र को विधि पूर्वक लिखेंगे, और लिखने के बाद पॉइंट टू पॉइंट ये समझेंगे कि पत्र को किस तरह से, कहां पर संबोधन दिया जाता है, कहां पर स्वनिर्देश दिया जाता है, कहां पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, कहां पर अभिवादन किया जाता है। दोनों पत्रों को विविध पूर्वक सम्यक तरीके से अगली वीडियो में अपने वक्तव्य के माध्यम से समझाएंगे। अगर किसी भी विद्यार्थी को, छात्र एवं छात्राओं को कोई भी समस्या पत्र से संबंधित या किसी हिंदी विषय से संबंधित कैसी भी समस्या आ रही है, तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। आपको किसी भी तरीके से कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। धन्यवाद।